रिश्तेदारों में पुरानी रंजिश को लेकर चल रहा विवाद गत रात्रि भड़क गया। ये विवाद इतना गर्मा गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे के घरों में जमकर तोड़फोड़ की। घटना की सूचना मिलते ही एडीसीपी क्राइम जे इलचेलियन पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। घटना संबंधी जानकारी देते हुए गुल्लू हंस निवासी गुरुदेव नगर ने बताया कि गत दिवस उनके चचेरे भाई अमन अटवाल निवासी नीला महल से विवाद हो गया था, जिसके बाद अमन अटवाल व उसके साथियों ने देर रात उनके घर पर आकर गाली गलौज करनी शुरू कर दी और घर में घुसकर बोतलें बरसाई और गाड़ी व घर के शीशे तोड़ दिए। यहां तक कि हमलावरों ने घर के बाहर हवाई फायर भी किए। रसोई करके सारे लेटे पे, मैं रसोई करके गेट लगा के अंदर वड़ी है भाजी, गेट तोड़ तोड़ के हवाई फायर पहले किते, फिर भाजी बोतला बहुत चलाई टलोड़े, मैं डर के अपने कमरे च गई। भाजी साडा रिश्तेदार ही आ, मुंडे नूं कुट्टिया पहले इन्हां ने, ओहदा असीं परचा कराया, परचे दी रंजिश कर दित्ती। चौंक च भाजी तुसीं जिन्नूं मर्जी पुछ लिओ, हर टाइम चौंक इन्हां ने घेरिया हुंदा भाजी, सारा चौंक। रूम से फोन आया सीगा, मेरा घर के बाहर गाड़ी खड़ा के थे, उसका शीशा तोड़ा, जो कुछ चार पाँच बंदे आके भाई से मैसेज आया सीगा, ऐसी मौका पे पहुँच गए, मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके बाकी जो कार्रवाई करेंगे और बाकी पड़ताल में आ जाएगा कि जो इन लोग ने कह रहे हैं वो, जो साइंटिफिकली हम चेक करना पड़ेगा, चेक करके तो फिर आगे आ जाएगा कि तो जो इनकी आपस में कुछ ये बोल रहे हैं। पिछले दो दिन के पहले इन्होंने जो दूसरे बंदे के खिलाफ 3 नंबर थाना में पर्चा दर्ज किया, उसके रंजिश के कारण यही हुआ, यही कह रहे हैं, बाकी ऐसी पड़ताल करेंगे करके फिर बताएंगे। वहीं दूसरे पक्ष की रानी ने बताया कि उनके रिश्तेदार उनके घर पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं, इसी के चलते उक्त रिश्तेदारों ने उनके बेटे से भी मारपीट की। घटना संबंधी जानकारी देते हुए डीसीपी क्राइम ने कहा कि कंट्रोल रूम पर घटना की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों के बयान कलमबद्ध करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सही है, चाहे रिश्तेदारी चाहिए बिल्कुल नहीं है, कागज पत्र मांगते नहीं, कागज पत्र दिते हथी वे घर लेडीज दे, मारे तोड़ भन के फायरिंग फूरिंग करके गए बाहर, कैश कुछ लै गए, हार हूर लै के कढ गए। मामला विचार अधीन से।